सचिन मित्तल अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार की रोज बाड़मेर पहुंचे। पुलिस लाइन में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। आईजी सचिन मित्तल ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के साथ पुलिस लाइन में ऑफिसर मेस सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों के साथ संपर्क सभा का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुनी तथा पुलिस कंट्रोल रूम में थाना अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक लेकर जिले में हो रहे अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल, बालोद्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान रत्न समेत पुलिस के कई अधिकारी उपस्थित रहे। आज की विजिट एक फैमिलाइजेशन विजिट है इस जिले के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं जवानों से मिलकर संपर्क सभा लूंगा, पुलिस लाइन का एक राउंड होगा और फिर एक क्राइम मीटिंग होगी जिसमें सभी SHO अपने अपने थाने क्षेत्र के बारे में बताएंगे। वो आदेश इसलिए निकला है कि उमूनी शिकायत आती है कि थाने पे FIR दर्ज करने में नानुपुर होती है या बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो उसको चेक करने के लिए DG साहब ने ये आदेश निकाले हैं। तो उन्हीं आदेशों के क्रम में SP साहब किसी भी थाने में कभी भी भेज करके चेक कर लेंगे कि FIR दर्ज करने में कोई नानुपुर तो नहीं हो रही या बिहेवियर ठीक है कि नहीं, और यही काम हम लोग भी करेंगे। भाई हेलमेट तो लोगों की सेफ्टी के लिए ही है, अमूमन देखा जाता है लोग हेलमेट लगाते हैं पुलिस के चलान से बचने के लिए, जबकि अप्रोच होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे हेलमेट होने की वजह से जान बच गई है, और कई बार ऐसा होता है कि हेलमेट न होने की वजह से छोटे से एक्सीडेंट से भी जानलेवा साबित हो जाता है। इसलिए मेरी ये अपील रहेगी कि हेलमेट का प्रयोग करें अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, न कि पुलिस के चलान से बचने के लिए। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।